Hey guys, welcome back to my channel Bansal Biology. आज के वीडियो में हम मिसल्स एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। यहाँ पर वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर तो बता दिया था कि किस तरीके का होता है, लेकिन उसके बाद जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एग्जैक्टली किस तरीके से होता है ये बात मिसल्सन एंड स्टॉल ने बताई थी। तो इससे रिलेटेड आज के वीडियो में हम देखने वाले गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर। अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले बोला गया था कि तीन तरीके के मॉडल होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के। जो सबसे पहला मॉडल रखा गया था वो रखा गया था सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में क्या कहा गया था कि समझे, यहां पर ये जो पेरेंट है इसके पास दो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, ये जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं अनवाइंड होंगे, अलग होंगे, दोनों का यहां पर क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। तो अब जो नया स्ट्रैंड बन रहा है, यानी कि जो नया डीएनए बन रहा है, इसमें एक स्ट्रैंड पैटर्नल होगा और एक स्ट्रैंड नया होगा। ये चीज सेमी कंजर्वेटिव में बोली गई थी। सेमी कंजर्वेटिव मतलब जो नया डीएनए आ रहा है उसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक नया स्ट्रैंड है, ये बात सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में बोली गई थी। दूसरी जो रेप्लिकेशन बोली गई थी, दूसरी जो हाइपोथेसिस थी वो थी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस। कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस में यहाँ पे ये बोला गया था कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उनसे रेप्लिकेशन होता है, लेकिन जो डॉटर डीएनए बनते हैं उसमें एक डीएनए में दोनों ही पेरेंटल स्ट्रैंड्स रहते हैं और एक डीएनए में दोनों ही डॉटर न्यू स्ट्रैंड्स रहते हैं। तो ये चीज कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस में बोली गई थी कि जो एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है एक्ट करता है टेम्पलेट के जैसे, नए डीएनए की सिंथेसिस करता है, लेकिन इसमें यहां पर क्या होगा, जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स है वो अलग रहेंगे और जो न्यू स्ट्रैंड्स है वो अलग एक डीएनए बनाएंगे। और वहीं जो तीसरी हाइपोथेसिस थी वो बोली गई थी डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन, इसको बोला गया था। डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन में यहां पर ये बोला गया था कि जो नया डीएनए बनता है वो मिक्सचर होता है ओल्ड और नए के। जैसे कि अगर हम यहां पर देखें, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो डीएनए स्ट्रैंड है इसमें एक स्ट्रैंड में दोनों प्रेजेंट है, पेरेंटल भी प्रेजेंट है न्यू भी प्रेजेंट है, पेरेंटल भी प्रेजेंट है न्यू भी प्रेजेंट है। तो एक स्ट्रैंड में दोनों प्रेजेंट होंगे, पेरेंटल भी डॉटर भी, पेरेंटल भी डॉटर भी, पेरेंटल भी डॉटर भी। तो इस तरीके से यहां पर क्या बोला गया था, डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन बोला गया था कि यहां पर क्या होगा, हाइब्रिड होगा पेरेंट और डॉटर डीएनए का। अब इन तीनों में से कौन सी हाइपोथेसिस सही है, ये चीज हमें मिसल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट में बताई गई है। उन्होंने यहां पर क्या किया था, आइए हम देखते हैं। उन्होंने सबसे पहले यहां पर नाइट्रोजन की बात की थी। नाइट्रोजन जो होता है डीएनए के पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। हम यहां पर देख सकते हैं कि डीएनए के पास जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं उनके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो यहां पर उन्होंने क्या किया था, नॉर्मली जो नाइट्रोजन होता है वो N14 नाइट्रोजन होता है, N14 आइसोटोप होता है। ये जो है लाइटर आइसोटोप होता है, इसकी जगह इन्होंने शुरुआत में N15 आइसोटोप लिया था जो कि हेवियर आइसोटोप है। यहां पर हम देख सकते हैं कि आइसोटोप में डिफरेंस क्या होता है, N15 और N14 को कंपेयर करके इस डायग्राम में दिखाया भी गया है, दोनों में न्यूट्रॉन्स का फर्क होता है। तो इन्होंने यहां पर क्या किया था, N15 आइसोटोप को भी यूज किया था डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान। किस तरीके से किया था, कैसे किया था, आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने इकोलाई के सेल्स लिए, उन इकोलाई के सेल्स को इन्होंने ग्रो किया N15 मीडियम में, यानी कि हेवी आइसोटोप मीडियम में इन्होंने ग्रो किया, काफी टाइम तक ग्रो किया ताकि जितने भी डीएनए हैं उनके पास क्या आ जाए, उनके पास N15 आइसोटोप आ जाए। सारे के सारे डीएनए रेप्लिकेशन कर करके उनके पास N15 आइसोटोप आ जाए। उसके बाद यहां पर इन्होंने क्या किया, CsCl सेंट्रीफ्यूगेशन किया। CsCl सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में आप सीजियम क्लोराइड को यूज करते हो, सीजियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होता है। अब डीएनए का जो डेंसिटी है वो जहां पर भी CsCl से मैच कर जाएगी वहां पर जाके डीएनए जो है स्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डीएनए की जो डेंसिटी है वो यहां पर CsCl की डेंसिटी से मैच कर रही है, तो यहां पर डीएनए आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ऐसे ही यहां पर जब इन्होंने ये किया तो इन्होंने क्या देखा कि यहां पर जो नए सेल्स थे जिनमें इन्होंने N15 ऐड किया था उसका जो डीएनए था वो कहां गया, CsCl सेंट्रीफ्यूगेशन में नीचे की तरफ गया, और जो नॉर्मली डीएनए होता है जिसके पास N14 होता है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो कैसा होता है, लाइटर होता है। इसके बाद यहां पर इन्होंने क्या देखा, इसके बाद यहां पर इन्होंने ये चीज देखी कि यहां पर अगर हम देखें CsCl सेंट्रीफ्यूगेशन में यहां पर N15 आ चुका है और N14 यहां पे आ चुका है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये जो N15 वाले हैं इससे
बैक्टीरिया को निकाला और N14 वाले में ट्रांसपोर्ट किया, N15 वाले मीडियम से निकाल के N14 वाले मीडियम में इकोलाई को ट्रांसपोर्ट कर दिया, ताकि अब जो रेप्लिकेशन चले तो उसमें जो स्ट्रैंड्स है उनमें N14 आए, ना कि N15 आए. क्या है? N14 आए. N15 पहले से ही प्रेजेंट है, अब N14 आए, इसके लिए इन्होंने क्या किया, N14 में ट्रांसफर कर दिया. एक रेप्लिकेशन जब इन्होंने चलाया तो इन्होंने क्या देखा, इनको इंटरमीडिएट डेंसिटी वाले डीएनए मिल रहे हैं, ना ही तो हाई वाले मिल रहे हैं, ना ही लो वाले मिल रहे हैं, बीच वाले मिल रहे हैं, यानी कि इंटरमीडिएट वाले मिल रहे हैं, और सारे के सारे इंटरमीडिएट हैं. तो इन्होंने इससे ये बताया कि भाई कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में क्या था कि एक जो स्ट्रैंड था वो पूरा पेरेंटल था और एक जो स्ट्रैंड था वो पूरा नया था. तो अगर ऐसी कंडीशन होती तो या तो उसको N15 मिलना चाहिए था या फिर N14 मिलना चाहिए था, लेकिन इस कंडीशन में तो सारे इंटरमीडिएट मिल रहे हैं, तो कंजर्वेटिव वाला तो मॉडल नहीं हो सकता है. अब या तो होगा तो सेमी कंजर्वेटिव होगा या होगा तो डिस्पर्सिव होगा, लेकिन कंजर्वेटिव को रूल आउट कर दिया गया. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से रेप्लिकेशन चलाई, N14 की प्रेजेंस में ही रेप्लिकेशन चलाई. इस कंडीशन में इन्होंने क्या देखा, इस कंडीशन में इन्होंने देखा कि इनको दो बैंड्स मिले, एक तो मिले N14 के और एक मिला N15 का. इनको N15 का कोई बैंड ही नहीं मिला, सिर्फ या तो मिला N14 का या फिर मिला N14 का. तो यहां पर ये क्या बताता है, ये यहां पर बताता है कि डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन होता तो सिंगल डेंसिटी मिलनी चाहिए थी. जैसा कि हमने पिछले कंडीशन में देखा था, अगर डिस्पर्सिव होता तो यहां पर सिंगल डेंसिटी मिलनी चाहिए थी इंटरमीडिएट वाली की, क्योंकि डिस्पर्सिव में क्या होता है, दोनों का मिक्सचर होता है, हाइब्रिड होता है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डेंसिटी मिली, N14 पे मिला, N15 भी मिला. तो इससे फाइनली ये बोला गया है कि जो सेमी कंजर्वेटिव वाला है वो ही ट्रू है, जिसमें यहां पर हो क्या रहा होगा, शुरुआत में N15 रहा होगा, उसके बाद जब पहला रेप्लिकेशन किया तो ये N15 वाला जो स्ट्रैंड है वो अलग हुए होंगे और इनमें नया स्ट्रैंड आ गया होगा, दैट इज N14, जिसकी वजह से हमें सारे के सारे कैसे मिले, इंटरमीडिएट डेंसिटी के मिले. जब फिर से रेप्लिकेशन करवाया तो इस कंडीशन में क्या हुआ होगा, N14 और N15 अलग हुए होंगे, और अब यहां पर किसकी एंट्री होगी, अब यहां पर N14 नए स्ट्रैंड्स जो है वो N14 वाले स्ट्रैंड्स होंगे, क्योंकि अभी हमारे मीडियम में N14 ही प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमें यहां पर एक इंटरमीडिएट डेंसिटी का मिल रहा है और एक हमें लाइटर डेंसिटी का मिल रहा है. अब जैसे 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 हम इस रेप्लिकेशन को कंटिन्यू करते जाएंगे, वैसे वैसे N14 का अमाउंट बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमारे मीडियम में N14 प्रेजेंट है, और वहीं जो N15 और N14 वाला जो इंटरमीडिएट वाला है उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा, क्योंकि N15 बाहर से तो ऐड हो ही नहीं रहा है. तो इससे ये प्रूफ कर दिया गया कि सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ रेप्लिकेशन ही होता है. कंजर्वेटिव को रूल आउट क्यों किया गया, क्योंकि कंजर्वेटिव वाले में हाई बैंड मिलना चाहिए था और लो बैंड मिलना चाहिए था, पर इसमें इंटरमीडिएट मिला था हमें जनरेशन 1 में. सिमिलरली डिस्पर्सिव वाले को क्यों रूल आउट किया गया, क्योंकि डिस्पर्सिव वाले में इंटरमीडिएट बैंड ही मिलना चाहिए था, लेकिन यहां पर हमें हायर बैंड भी मिला और इंटरमीडिएट बैंड भी मिला, तो इसकी वजह से डिस्पर्सिव वाले को भी रूल आउट कर दिया. सो आई होप गाइस दिस वीडियो वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच गाइस.